जब राजस्थान लंपी महामारी की वजह से बड़ी तबाही झेल रहा था, तब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसानों और पशुपालकों के दर्द पर मरहम लगाने में जरा भी देरी नहीं की। एक तरफ उन्होंने प्रभावित पशुपालकों को 40,000 तक का मुआवजा देने की घोषणा की, वहीं उनकी दूरदर्शी सोच ने सभी पशुपालकों को भविष्य में ऐसी विपदा से लड़ने के लिए भी सशक्त बना दिया। जी हाँ, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की कामधेनु योजना बहुत अच्छी योजना है। इसमें पशु का हमें कुछ हो भी जाता है पशु को, उसका हमें मुआवजा मिलेगा। दुधारू पशुओं के लिए जो हमारे पहले गाय डेथ होने के बाद में जो नुकसान होता था, उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी हमारे पास में। काफी हद तक इसको मदद मिलेगी हमको नई पाव परचेज करने के अंदर। हमारे पशुपालन में बहुत ज्यादा महंगी गाय आती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत जी को, ये हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी स्कीम लाई है। राजस्थान के अलावा यहाँ और किसी जिले में नहीं है। अशोक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अशोक जी ने बहुत ही अच्छा पशुपालन के लिए काम किया है। महंगाई राहत कैंपों में इस योजना के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इस योजना में पशुपालकों को 40,000 रुपए तक प्रति दुधारू पशु का बीमा किया जाता है, जो हर पशुपालक के लिए अधिकतम 2 दुधारू पशुओं पर लागू होता है। यानी अगर आपकी दुधारू गाय या भैंस की किसी बीमारी या अन्य वजहों से असमय मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को अधिकतम 40,000 रुपए मिलेंगे, ताकि आपके परिवार पर अचानक आर्थिक भार न पड़े और आप नया पशु खरीद कर अपनी आजीविका की गाड़ी आराम से चला सके। कमाल की बात ये है कि सभी पशुपालकों के लिए बीमा का प्रीमियम भी बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आपने अब तक राहत कैंप जाकर अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द ही करवा लें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को भी इस बीमा का लाभ लेने की जरूरत ना पड़े।